केंद्र सरकार ने देशव्यापी लॉकडाउन को चरणबद्ध तरीके से हटाने के लिए घोषणा की है। 1 जून से अनलॉक 1 शुरू हो जाएगा, लेकिन इस बीच कुछ राज्यों ने बढ़ते संक्रमण के खतरे को देखते हुए अभी लॉकडाउन बढ़ाने का फैसला किया है। केंद्र सरकार के दिशा निर्देशों के मुताबिक सभी तरह की पाबंदियां एक साथ खत्म नहीं की जाएंगी, बल्कि 3 चरणों में लॉकडाउन पूरी तरह हटाया जाएगा। देश भर में सिर्फ कंटेनमेंट जोन में 30 जून तक लॉकडाउन रहेगा, लेकिन इस मुद्दे पर कुछ राज्यों के विचार अलग हैं। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि केंद्र सरकार से इतर अन्य राज्यों ने लॉकडाउन पर क्या फैसला किया है। केंद्र सरकार की घोषणा के बाद महाराष्ट्र सरकार 31 मई को लॉकडाउन के स्वरूप पर कोई फैसला करेगी। महाराष्ट्र के परिवहन मंत्री अनिल परब ने बताया कि कंटेनमेंट जोन छोड़कर अन्यत्र लॉकडाउन शिथिल करने को लेकर चर्चा जारी है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे लॉकडाउन हटाने को लेकर बहुत इच्छुक नहीं हैं, लेकिन NCP अध्यक्ष और महाविकास अघाड़ी के मार्गदर्शक शरद पवार की राय है कि लॉकडाउन शिथिल करके अर्थव्यवस्था को पूर्ववत करने का प्रयास किया जाए। पवार ने शनिवार रात उद्धव ठाकरे से उनके सरकारी आवास वर्षा पर जाकर चर्चा की। हालांकि इस बात पर एक राय है कि 10 जून तक लॉकडाउन वैसा ही रहने दिया जाए जैसा अभी है, उसके बाद स्थिति देखकर फैसला किया जाए। हालांकि मुंबई, मालेगांव, ठाणे, पुणे क्षेत्र छोड़कर अन्य महानगर पालिका क्षेत्रों में कुछ नियम शिथिल करने पर विचार जारी है। मध्य प्रदेश सरकार ने लॉकडाउन को 15 जून तक बढ़ाने का ऐलान कर दिया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि प्रदेश में कुल स्कूल कॉलेज खुलेंगे, लेकिन इस पर आखिरी फैसला 13 जून के बाद लिया जाएगा। राज्य सरकार ने यह फैसला ऐसे समय में लिया है जब राज्य में संक्रमितों की संख्या बढ़कर 7,645 पर पहुंच गई है। राज्य में अब तक COVID-19 की वजह से 334 मरीज दम तोड़ चुके हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भी केंद्र के दिशा निर्देशों के अनुसार लॉकडाउन 30 जून तक बढ़ा दिया है। पंजाब सरकार कुछ और छूट दे सकती है और ट्रेसिंग व ट्रैकिंग के लिए होम सर्विलांस और कोविड फुट सोल्जर ऐप लॉन्च करेगी। बंगाल सरकार ने भी शनिवार को राज्य में लॉकडाउन को 15 जून तक बढ़ाने का ऐलान किया है। राज्य सचिवालय की ओर से देर शाम जारी आदेश में लॉकडाउन के दौरान राज्य में पाबंदियों से कई क्षेत्रों में छूट की घोषणा की गई है। इसके तहत कंटेनमेंट जोन या कैटेगरी ए वाले इलाकों में लॉकडाउन पूरी तरह जारी रहेगा। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि राज्य सरकार इस बात की पक्षधर रही है कि लॉकडाउन बढ़ाया जाना चाहिए। इतना जरूर है कि स्थानीय परिस्थितियों को देखते हुए कुछ रियायतें दी जा सकती हैं। उन्होंने कहा कि हम राज्य में सीमित पर्यटन के पक्षधर हैं। 4 धाम यात्रा को लेकर केंद्र की गाइडलाइंस के पूर्ण अध्ययन के बाद रविवार को निर्णय किया जाएगा। इसी प्रकार गोवा सरकार भी सूबे में लॉकडाउन बढ़ाना चाहती है। मंत्रालय ने अपने दिशा निर्देश में यह कहा है कि राज्य के भीतर और अंतर्राज्यीय आवाजाही पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। लोगों को एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने के लिए किसी विशेष पास की आवश्यकता नहीं होगी, इसमें कहा गया है। लेकिन यदि राज्य या केंद्र शासित प्रदेश जन स्वास्थ्य के आधार पर या परिस्थितियों के आकलन के आधार पर लोगों की आवाजाही पर पाबंदी लगाना चाहते हैं, तो वह उससे जुड़े दिशा निर्देश के संबंध में पहले से ही व्यापक प्रचार कर लोगों को अवगत कराएंगे। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप अपने सवाल और सुझाव हमें कमेंट करके बताइए। बाकी देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों के अपडेट्स के लिए हमारे चैनल लोकमत न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक और फॉलो कर लीजिए।